नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक ऑफ द डे में। और आज हम एक PSU स्टॉक लेके आए गए आपके लिए। गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है और बहुत ही कम वैल्यूएशन पे है। और अगर आप बिगिनर हैं, अभी अगर आप स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू ही करी है, तो आपके लिए तो बहुत ही बेटर है। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए 2021 के लिए सभी के लिए बहुत ही बेटर स्टॉक है। तो चलिए बात करते हैं। ये जो पिक्चर अभी दिखाई दे रही है, ये मेमू कोच है। मेमू कोच मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेलवे का जो, और RVNL कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं तो देखिए, ये न्यूज मैं आपको पहले दिखा देता चलूं इसकी। अभी बजट आने वाला है अगले महीने फरवरी में, ठीक है जी। तो बजट के आने से पहले ये देखिए आज का ही न्यूज है, ठीक है जी। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा है कि बजट तक ये आपको मुनाफा नहीं देगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी ये शानदार रिटर्न देने का दम रखता है। और ये जी बिजनेस की तरफ से न्यूज है, ठीक है। और ये जो जी बिजनेस की रिसर्च टीम के सदस्य वरुण दुबे जी हैं, उनके उन्होंने भी इसका रिकमेंड किया है कि RVNL जो है क्वार्टरली जो फाइनेंशियल ईयर है 2021, 30 से 40% तक की ग्रोथ ये दिखा सकता है, ठीक है जी। तो देखिए इस तरीके से ये जो शेयर है, इसका अब हम और डिटेल्स चेक करते हैं। देखिए इसने कह रहा है कि इसका रीजन क्या है, कह रहा है कि 44 जो खर्च में ना 44% की बढ़ोतरी हुई है इनके खर्च में। कह रहा है कि रेलवे में काफी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन था ऑलरेडी, आपको मालूम है लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, ट्रेन तो बिल्कुल ही बंद थी, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अभी क्या हुआ कि ट्रेनें खुल गई हैं, सभी लॉकडाउन खुल गया है और सभी कुछ दोबारा से ट्रैक पे आ रहा है। तो कंपनी का जो खर्च था वो 1060 करोड़ था, अभी उन्होंने बढ़ा के 14,530 करोड़ कर दिया है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उनको काम मिल रहा है अभी, जैसे सभी खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं। देखिए इनके पास, रेलवे के पास एक प्रोजेक्ट है मेमू कोच बनाने का। मेमू कोच आपको पता होगा, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर भी इनका दिखाया था। देखिए ये जो कोच आते हैं, मैं फिर से दिखा दूं, ये मेमू कोच इनको बोला जाता है, ठीक है जी। चलिए देखिए देखते हैं इसमें क्या ये ग्रोथ बोल रहे हैं। ये देखिए कह रहे हैं कि रेल विकास निगम जो है, ये प्रोजेक्ट पूरे होने की 96%, यानी कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट पूरा किया है और कंपनी ने अपने खर्च में 44% तक अपने खर्च को बढ़ाया है। और इनका जो ऑर्डर है, जो इनको ऑर्डर मिला है, इनका जो ऑर्डर था ये 82,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक जो है कंपनी को मिली है। और इसी साल की बात करें तो 6100 करोड़ का तो इसी साल इनको इनको ऑर्डर मिला है, जबकि कंपनी का जो मार्केट कैप है जो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन 6200 करोड़ रुपए के आसपास है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है, कितना अभी कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो बिल्कुल एकदम वाजिब है। देखिए ये मेमू कोच जो मैंने अभी आपको बताया था, मेमू कोच, और एक और बात इसकी है RVNL की, मेमू कोच बनाने वाली देश की पहली रेल कंपनी बन गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जो मेमू कोच थे सब विदेशों से आते थे हमारे पास, लेकिन अब जो है ये सभी मेमू कोच जो है वो यहीं पे बन रहे हैं। इससे जो कंपनी की वैल्यूएशन और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है बढ़ेगी, और देखिए 6.6% का है, ठीक है जी, ये इंडस्ट्रीज की जो बात करें, और इस कंपनी का 14% है इक्विटी का, ठीक है जी। तो और डिविडेंड यील्ड 8.8% की डिविडेंड यील्ड ये बता रहे हैं, वो हम अभी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका रिकॉर्ड है और कितना वैल्यूएशन पे आपको शेयर मिल रहा है। अनिल सिंह भी जी, जी बिजनेस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने भी इसको बताया है कि इसकी आकर्षक वैल्यूएशन है और इसके पास 82,000 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक है। तो इसका जो ग्रोथ है वो इन अभी अपकमिंग ईयर में बहुत बढ़िया रहेगा। और RVNL के जो शेयर के भाव हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए उसका भी हम देखेंगे, 3 रुपए 45, यानी कि 3 रुपए 45 पैसे की तेजी हुई है इसकी, और ये 32.50 पर आज पहुंच गया है आज की। देखिए इसके लिए एक और न्यूज मैं आपको लेके चलता हूँ, इसके लिए बात करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो न्यूज है, ये देखिए 5 तारीख की न्यूज है, 5 तारीख की न्यूज मैं आपको दिखाता हूँ, जनवरी 5। कह रहा है कि दिस PSU स्टॉक डिलीवर्ड 180%, समझ रहे हैं आप, 180% रिटर्न इसने केवल 9 महीने में दे दिया है।
देखिए इसमें जो न्यूज पे क्या दिया हुआ है, देखिए मैं देखते हैं इसमें 52 वीक जो लो था स्टॉक का वो था केवल 10 रुपए, यानी कि ये जो मार्च में स्टॉक का प्राइस था वो केवल और केवल 10 रुपए का स्टॉक था, आज देख रहे हैं 30 रुपए से ऊपर है, 32 रुपए, तो 180%, यानी अगर उस दिन आपने 10 रुपए का एक शेयर लिया था और उसके 30 रुपए होते तो आप सोच सकते हैं अगर आपके पास अगर कितनी भी क्वांटिटी होती तो कितना बेनिफिट आज आपको हो रहा होता। और अभी भी इसमें अभी तो शुरुआत है, कंपनी ने शुरू किया है, पहली मेमो कोच बनाने वाली कंपनी है, ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 180% जो 178% 52 वीक का जो लो 10 रुपए 20 पैसे था और 5 तारीख को 29 रुपए था, चलिए देखिए 5 की छोड़िए अभी 24 24 रुपए केवल 4 दिन पहले था इसका प्राइस, आज 32 रुपए है। तो आप देख सकते हैं कितना ग्रोथ इसमें, कितनी पोटेंशियल है इसमें बढ़ने की, ठीक है जी। तो ये इसमें दिखाया गया है और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि किस तरीके से इसमें ग्रोथ है। चलिए हम एक बार स्टॉक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, हम टिकटेक पे चलते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी लेने का। टिकटेक पे इसका देखिए 33 रुपए, आज का प्राइस 33 रुपए मात्र है, ठीक है जी, 33 रुपए जो आज का डे जो डे ओपनिंग था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 30 रुपए पे आज ये ओपन हुआ था, सुबह 30 रुपए था, 3 रुपए तो आज आज पे ये बढ़ गया है, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू अभी भी इसकी कम है, यानी कि लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू है, शेयर अभी आपको इंट्रेंसिक वैल्यू से कम दाम पे मिल रहा है, एफडी से ज्यादा इसमें रिटर्न है, डिविडेंड का इसमें कुछ नहीं दिया है बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। और अभी ओवरबोट जोन में नहीं है, इसको आप एंट्री कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और कोई भी रेड फ्लैग इसमें नहीं है, ठीक है जी। देखिए मैं एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, कभी भी इसका चार्ट आपको रेड मिलेगा ही नहीं इस स्टॉक का, इतना बढ़िया स्टॉक है। 1 डे का था ये, 1 वीक का चार्ट है, ये भी ग्रीन में है, ये 1 मंथ का चार्ट है, देखिए 1 मंथ का चार्ट है वो भी ग्रीन में है, देखिए। तो देखिए आपको मैं अगला दिखाता हूँ, 1 ईयर का चार्ट है ये भी ग्रीन में है, आप देख रहे हैं, और ये 5 ईयर का चार्ट है ये भी ग्रीन में है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कंपनी केवल आपको 20 30 से 30 रुपए में केवल मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम इसका एक बार चार्ट लगाता हूँ, देखिए 52% रिटर्न 5 साल का, और मैक्सिमम का आप देखेंगे 74%, यानी कि कभी भी रेड में तो गया ही नहीं इसका जो ग्राफ है, आपने देखा होगा कभी भी रेड में गया ही नहीं है। चलिए एक बार सेल होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, किसी भी स्टॉक का सेल होल्डिंग पैटर्न जरूरी होता है कि इसमें क्या है। देखिए गवर्नमेंट की कंपनी है तो उसमें तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए शेयर देखिए 87%, यानी कि पूरी पूरी गवर्नमेंट की होल्ड है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होल्ड है। हाँ म्यूचुअल फंड के पास है थोड़ी होल्डिंग, बाकी एफआईआईज के पास भी कुछ होल्डिंग है, अभी डीआईआईज के पास नहीं है, बाकी रिटेलर्स और अदर्स के पास है, ठीक है जी। तो ये हम देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया कंपनी है, केवल मात्र आपको जो शेयर है वो 33 रुपए का मिल रहा है। इसकी पोटेंशियल हम चेक करते हैं एक बार, देखिए फोरकास्टिंग हम चेक कर लेते हैं स्टॉक की, स्टॉक का जो फोरकास्टिंग है वो क्या बता रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए अभी जो भाव है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक का जो 1 ईयर का जो फोरकास्टिंग है वो ये देखिए 100% बाइंग के लिए बोल रहे हैं एनालिसिस, और स्टॉक का जो 37 यानी 40 रुपए, अभी 33 रुपए, अभी भी ये 40 रुपए बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ और जैसा कि एनालिसिस है तो इसमें काफी संभावनाएं हैं, 40 के 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि देखिए जिसमें दो एनालिसिस 100% इसमें बाइंग की रिकमेंड उन्होंने करी है, तो ये स्टॉक है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा आप मेरे कहने पर इसको खरीद लीजिएगा, लेकिन ये बेटर रहेगा कि एक बार आप खुद अपने एंड से चेक करें और अपने जो और जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी एक बार सलाह लीजिएगा, और इस स्टॉक पे आप बिल्कुल नजर रखिएगा और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा वैल्यूएशन का नहीं है, केवल 30 रुपए का स्टॉक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह की बेहतरीन जो बढ़िया न्यूज है, अच्छी न्यूज हम शेयर मार्केट के आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।